फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के तीन सवाल करेंगे। इनमें से पहला सवाल ये कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इस तरह के सवाल में हमको दो चीज़ें ध्यान देनी होगी कि हमको लाभ कितना हो रहा है या हानि कितनी हो रही है और CP कितनी है। तो लाभ तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होगा है ना, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 ये करना है, ये सबको पता है। लेकिन हम इसको सोचेंगे कैसे, हमको कितने का फायदा हो रहा है, 50 का। हमको फायदा लिख देना है यहाँ पे 50 बटा 250 केला बेचने के बाद हमारा 50 का फायदा है। और फायदा हमारा कब होता है, CP या क्रय मूल्य निकल जाने के बाद। तो अगर 250 केला हमने बेचा, 50 हमारा उसमें से प्रॉफिट है, तो 200 केले हमारे CP के होंगे। अगर 200 केले हमारे CP के होंगे तो हम इसको 200 सीधे नीचे यहाँ लिखें, इंटू 100 कर दें, 50 2400 और 4 से कट गया तो ये 25, यानी टोटल इस बिजनेस में इस व्यापारी को 25% का प्रॉफिट हुआ। यही आपका आंसर है। हमको क्या सोचना होता है कि हमको कितने का फायदा या नुकसान हुआ, उसको ऊपर लिखेंगे। अपान में CP मतलब हमारा CP निकल चुका है कि निकलना बाकी है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब CP निकल चुका है, तो हम प्रॉफिट को टोटल में से घटा के नीचे लिख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। इस सवाल में ये कह रहा है कि 36 संतरे बेचने के बाद, ठीक है ना, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसकी हानि प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे 4 का नुकसान हो रहा है तो 4 लिख देंगे। 36 ये बेच चुका है और अभी 4 के बराबर इसका नुकसान है, मतलब इसको CP अभी नहीं निकल पाया, यानी 4 ये अभी और बेचेगा तब इसका CP निकलेगा। तो हमको नीचे में क्या लिखना होगा, 36 तो बेच चुका, 4 इसको बेचना बाकी है, तो 36 + 4 लिख देंगे, यानी 36 + 4 और इंटू 100, यानी 4/40 × 100, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 40 और 10 × 100, तो ये क्या हो गया कि इसको 10% का लॉस है यहाँ पे। यानी यहाँ पे भी हमको कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ ये तो पता ही चल जा रहा क्वेश्चन से। सोचना ये है कि हमको इसमें जोड़ना है कि घटाना है। तो अगर प्रॉफिट रहेगा तो घटा देंगे और लॉस रहेगा तो जोड़ देंगे। लॉस में क्या होता है, हम उतना नुकसान में मतलब उतना भी और बेचेंगे तब हमारा CP निकलेगा, और टारगेट जब तक CP निकलेगा नहीं हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते हैं, ठीक है। एक और एकदम इजी सवाल, ये सवाल बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। इसमें ये कह रहा है 50 kg दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त किया जा सके। दूध में पानी जब भी मिलाना हो और CP पे बेचना हो, जितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए उतना परसेंट पानी मिला दीजिए, ये एकदम याद रखिए। तो 50 kg है, 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 50 का 10% पानी मिला दीजिए और प्रॉफिट हो जाए। तो 50 का 10% ऐसे ही तो निकालेंगे, 50 × 10/100, 10 × 100, ये 0 से 0 कट गया, बराबर आ गया 5 लीटर। 5 लीटर पानी मिला दीजिए और आपका जो मिश्रण तैयार होगा उसको आप CP पे बेचिए और आपको 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरा ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ शेयर जरूर करें। थैंक यू।